क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर भी आप देख रहे हो सिमिलर क्वेश्चन नंबर टू और थ्री के जैसे ही है। आप फार्मूला लगाओगे, वैल्यूज पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव सिमिलर क्वेश्चन नंबर टू के जैसे है, तो ये भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है कि इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन एंड एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये क्यूब हमें बता रहा है कि यहाँ हमने क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है। अब नेक्स्ट दो फार्मूला जो है वो हमारे पास है ए प्लस बी का होल क्यूब एंड ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये इक्वल होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और नेगेटिव के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अब ये वाले फार्मूले सब के सब आपकी बुक के ऊपर भी हैं, मैं आपको आपकी बुक से भी बताती हूँ कि ये फार्मूले कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपके पेज नंबर 83 पर है आपका पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नेगेटिव होगा तो फोर ए बी। उसी तरह थ्री टर्म्स वाला फार्मूला भी है नेक्स्ट पेज पे, ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स मैंने लिख लिया पेज पे, और अब हमने गिवन वैल्यू में से का क्यूब लेना है। हमने एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई। जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था उसमें ए बी था, ए बी हो या एक्स वाई हो वेरिएबल्स हैं, आप कोई से भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो पुट कर दें विच इज़ थ्री। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो हमने फाइंड करना है, प्लस थ्री इंटू एक्स वाई इज़ ट्वेल्व, एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगेन सेवन। ठीक है, अब सेवन का क्यूब लेंगे थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फिफ्टी टू। माइनस टू फिफ्टी टू, बाद में आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी।